हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि एमडीसी के एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली, डिस्टेंस होता क्या और डिस्प्लेसमेंट होता क्या? सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, सपोज करो आप अपने घर से, ये पूरे बीच में घर बने हुए हैं, आप एक गली में रह रहे हैं, ये आपका घर है ए पॉइंट, और आपको पिछली गली में जाना है। आप कैसे जाएंगे? आप ऑब्वियसली बाहर निकलेंगे, जहाँ पे गली एंड होती है वहाँ जाएंगे, फिर इस तरह मुड़ेंगे और यहाँ बी पॉइंट पे पिछले वाले घर में पहुँच जाएंगे। सो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? पहले आप सीधा गए, ऐसे ऐसे। सो दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि वो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बी और ए पॉइंट को आपस में जोड़ दो, सो ये है डिस्टेंस। सपोज कर लो ये 100 मीटर है और आप ये जो चल के गए हो वो 500 मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं डिस्प्लेसमेंट को दूसरे पेन कलर से बना देती हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले। देखो, जो डिस्टेंस है वो हमने रेड कलर से बताया और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं जी येलो कलर से, येलो। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 100 मीटर है। कितना है 100 मीटर? क्या है कि दो पॉइंट को आपस में जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू। इट डजंट मैटर, इसका एक्चुअल पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है एक्चुअल पाथ? क्या है डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, यानी कि हम देखेंगे मैं ऊपर से नीचे आई, मानो मैंने कहा कि मैं यहाँ 100 मीटर चली, इधर भी 100 मीटर चली और ये नीचे वाला जो पार्ट था वो 300 मीटर का था। ओके, तो हम सिंपल ऐड करेंगे, हम जनरल लाइफ में जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, वो सब स्केलर होती हैं, गॉट इट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। वेक्टर में फ़र्क पड़ेगा कि मैं इधर जा रही हूँ या मैं इधर जा रही हूँ। जैसे बचपन में आप लेते थे कि अगर ये लाइन है एक्स एक्सिस, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के राइट जा रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव। ओके, सो अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। मैं फिर से ए और बी पॉइंट बनाती हूँ, ये पॉइंट ए, ये बी, हमारा ये है डिस्टेंस। और जी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ये था, ए और बी के बीच में ये है डिस्प्लेसमेंट और रेड वाला है हमारा डिस्टेंस। आप दोनों को देख के बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर बी ज़ीरो नेगेटिव, क्योंकि अगर हम चलें कुछ तो कुछ होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। ज़ीरो कैसे होगा? पहली बात, ज़ीरो होगा अगर मैं एक सर्कल में मूव कर रही हूँ, यानी मैं यहाँ से चली थी ए पॉइंट से, वापस घूम के फिर भी इसी पॉइंट पे आ गई, इनिशियल पोजीशन वही, फाइनल पोजीशन वही, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। बट डिस्टेंस कितना है? वो कहता है कि आप तो पूरा चले और डिस्टेंस इज 2πr सर्कल के लिए और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। नेगेटिव कैसा होगा? मैंने अभी बताया था कि अगर मैं मान लो इस डायरेक्शन में जा रही हूँ 100 मीटर, 10 मीटर लगा लो, और मैं वापस चली इधर 20 मीटर, ठीक है, और मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ आपके 20 मीटर, 10 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, ओवरऑल इज -10 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, हमेशा कोई वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो मेरे पास फिर से दो पॉइंट है ए और बी। पिछले केस में हमारा क्या था? डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर। डिस्टेंस था 500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट था 100 मीटर। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कैसे हो सकता है? मानो ए और बी के बीच में कुछ है ही नहीं, तो मैं सीधा ही जाऊंगी, मैं सीधा ही चली तो डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, पर कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में वही उल्टा करके पॉइंट लिख दो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा।
डिस्टेंस का मैंने पहले कहा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो, यानी मैं ए से बी में डिस्टेंस में मैं सीधा गई हूँ, मैं ऐसे गई हूँ, मैं सर्कल के थ्रू गई हूँ, कैसे गई हूँ, उस केस तीनों केस में जो ये केस 1, 2, 3 डिस्टेंस अलग अलग होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमेशा से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस हमें बताएगा कि आपने कैसा पाथ फॉलो किया, लंबा रास्ता, छोटा रास्ता, जबकि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं बताएगा। तो आपको अगर बेसिक चीज़ समझ आ गई ना कि वो क्या है, तो आपको ये अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझो डिस्टेंस क्या है एक्चुअल पाथ ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। डिस्टेंस ट्रैवल इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट में उल्टा कर देना। फिर लिखना कि डिस्टेंस हमें टाइप ऑफ पाथ के बारे में बताता है कि कैसा पाथ चले, डिस्प्लेसमेंट पाथ के बारे में नहीं बताता, डिस्टेंस हमें एक्चुअल पाथ के बारे में बताता है कि क्या फॉलो किया, और डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना ही नहीं है। डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, पाथ पर डिपेंड करेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट की सेम वैल्यू रहेगी। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है जी, स्पीड क्या है, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो समझ आ गया, स्पीड बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बाय टाइम। दो चीज़ें हैं, डिस्टेंस स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, और जो वेलोसिटी है मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर डिस्टेंस बाय टाइम देखो, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप सबकी बाइक पे लिखा होता है, स्पीडोमीटर बना होता है, वो स्पीड बताता है, वो KMPH होता है ना, उस पर लिखा हुआ दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, कि एक घंटे में आप कितने किलोमीटर चल सकते हो वो बताता है। तो अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो वो हो गई स्पीड, और अगर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या हो गई, वेलोसिटी। अब डिस्टेंस क्या था, स्केलर, तो स्पीड भी स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर, तो ये भी वेक्टर। स्पीड मेजर बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम, यानी कि एक घंटे में वो कितना चला, और वेलोसिटी क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को आप चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि वो बताती है कि अगर इनिशियली यहाँ था और बी यहाँ है तो पोजीशन में कितना चेंज हो। स्पीड क्या बताती है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव किया है, वेलोसिटी साथ में ये भी बताती है कि वो कितना फास्ट मूव किया, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन है वो 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो ये क्या हो गया, स्पीड। मैं साथ में ये भी बता दूं, वही पर्सन 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कनाल से पानीपत जा रहा है, तो मैंने डायरेक्शन बताई कि कनाल से पानीपत मूव कर रहा है, तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी। तो आई होप दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्योंकि हमारा डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड स्केलर, क्योंकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है तो वो वेक्टर। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, एस डी बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ कितना चेंज हुआ, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में चेंज हुआ। डायरेक्शन का फैक्टर इम्पोर्टेंट है। स्पीड एग्जांपल ही बता देना साथ में कि एक पर्सन जा रहा है 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मूव कर। अगर आप साथ में ये लिख देते हैं पर्सन मूव विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम कुरुक्षेत्रा टू पानीपत, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी। So that's it for today. If you have any doubt, please ask me.